जो आदमी गेम के जरिए कन्वर्जन करा रहा था ये अकेला तो नहीं हो सकता ना, गेम को डेवलप करने के लिए बाकायदा सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए। सॉफ्टवेयर इंजीनियर को कोई सैलरी भी दे रहा होगा, तो अगर गेम पूरा डेवलप हुआ इसका मतलब किसी ने आर्थिक मदद किया, किसी ने उसमें टेक्निकल मदद किया, किसी ने और वैचारिक मदद किया, तब तो कन्वर्जन हो रहा है। और आपको जान के आश्चर्य होगा, मेरी तो पुलिस के बड़े अधिकारियों से बात हुई थी, काफी लंबी मेरी बातचीत हुई, अभी टारगेट पे अपर क्लास है। और क्यों है, और खासतौर पे वैसे समाज के लोग, ऐसे लोग टारगेट पे हैं जो अकेले लड़के हैं और जिसके घर में 400 गज की कोठी है, 500 गज की कोठी है, फैक्ट्री है या बड़ा बिजनेस है। क्योंकि गरीब को कन्वर्ट करने के लिए तो उनको कुछ पैसा वैसा देना पड़ रहा था। अगर एक बड़े जैन को कन्वर्ट कर दिया, एक बड़े अग्रवाल को कन्वर्ट कर दिया, एक बड़े माहेश्वरी को कन्वर्ट कर दिया, जैन अग्रवाल माहेश्वरी से मतलब जो अपने संपन्न लोग हैं, तो 100 करोड़ की प्रॉपर्टी भी तो मिल गई। और जब एक को कन्वर्ट करने को 100 करोड़ की प्रॉपर्टी मिल गई, तो 100 करोड़ जब मिल गया तो उससे हजारों की संख्या में दलित आदिवासी कन्वर्ट कर दिया। तुम्हारा पैसा तुम्हें कन्वर्ट किया जा रहा है, आपके ही पैसे से आपको कन्वर्ट किया जा रहा है। एक को कन्वर्ट किया, बढ़िया 500 गज की कोठी मिली, 4 गाड़ी मिली, 1 फैक्ट्री मिल गई। जब इतना मिल गया, वहां से जो पैसा आ रहा है उससे बाकी को कन्वर्ट कर रहे हैं। जो गेमिंग जिहाद का पहला लड़का था, ईशांत जैन नाम है उसका, अब चूंकि टीवी में आ चुका है, मीडिया में, इसलिए उसका नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं। इकलौता लड़का, गाजियाबाद की पौस कॉलोनी कविनगर, जहां 500-500 गज की कोठियां, 1000-1000 गज की कोठियां हैं, जहां गाजियाबाद के सांसद रहते हैं, मंत्री रहते हैं, विधायक रहते हैं, मतलब मिनिमम वहां 500 गज की कोठी है कविनगर, बहुत पॉश एरिया है। इकलौता लड़का और फैक्ट्री मालिक का लड़का, 500 गज की कोठी, 4-5 ड्राइवर, खाना बनाने वाला, ये सब, सैकड़ों लोग फैक्ट्री में काम करने वाले। और उसको इतना रेडिकलाइज कर दिया कि उसने बोला कि, जब पिताजी ने बोला कि हम तुम्हें घर से निकाल देंगे, बोले घर से निकाल दो क्या हुआ, हम चले जाएंगे ना उधर मस्जिद पे रह लेंगे, वहां हमें खाना मिल जाएगा। ये सिचुएशन है, आप जरा सोचिए। जब पूरा ट्रैक हुआ सब, तो पता चला उसकी ईमेल आईडी पाकिस्तान में बनी हुई है, रहता वो मुंबई में, कन्वर्ट कर रहा है गाजियाबाद में, ऑपरेट हो रहा है पाकिस्तान से। और आपको जान के आश्चर्य होगा, वो वहीं कराने वाला था जहां की इसरत जहां थी, मुंबई में, मुंबई में थाने एरिया है, थाना एक जगह है वहां पे, वहां इसरत जहां रहती, तो वहीं ये भी रहता था, बद्दो नाम है उसका। क्या राजस्थान की सरकार की ये ड्यूटी नहीं है कि पूरे मॉड्यूल को ध्वस्त करे जो राजस्थान में इस तरीके का काम कर रहे हैं? राजस्थान में कन्वर्जन हो रहा है कि नहीं, राजस्थान में लैंड जिहाद हो रहा है कि नहीं, और सरकार शांत होकर बैठी और हम भी शांत होकर बैठे हुए। समाधान क्या है इसको समझिए, मैं आपको समाधान बताता हूं। समस्या तो सबको पता ही है, हमारी पीआईएल पे एक मेरी धर्मांतरण खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल चल रही है। पिछले साल 14 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। आप लोग गूगल करना, धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा, अश्विनी उपाध्याय को डिटेल मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा, और केवल मौखिक रूप से नहीं कहा, मैं जस्टिस एमबी शाह का धन्यवाद दूंगा, उन्होंने ऑर्डर में भी डिक्टेट करा दिया। सामान्यतया कई बार ऐसा होता है, जजेस मौखिक तो बोल देते हैं, ऑर्डर में लिखवाते नहीं, लेकिन उन्होंने ऑर्डर में लिखवाया। मैं गहलोत साहब से कहता हूं, देश की सर्वोच्च अदालत जो संविधान को इंटरप्रेट करने का जिसके पास अधिकार है, वो कह रही है कि धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा, इसका मतलब राजस्थान के लिए भी खतरा। आप लोग गहलोत साहब से मांग करिए कि राजस्थान में जो लोग कन्वर्जन करा रहे हैं, उन सब के खिलाफ एनएसए लगाए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, वो बना इसी काम के लिए। आपने सुना होगा रासुका,
राष्ट्रीय सुरक्षा कानून वो उन्हीं पे लगता है जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो, और जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है तो उनके ऊपर राष्ट्रपा लगना चाहिए कि नहीं। एक दूसरा कानून है यूएपीए, जहां देश की एकता खंडता के लिए खतरा हो वहां क्या लगाना चाहिए, यूएपीए। धर्मांतरण देश की एकता खंडता के लिए खतरा है कि नहीं, तो गहलोत साहब को यूएपीए भी लगाना चाहिए। ऐसे रिलीजन में कन्वर्ट करना जो संविधान को ही नहीं मानता। भारत में दो तरीके के रिलीजन अभी चल रहे हैं, एक वो रिलीजन है जो भारत में शुरू हुए, जो वसुधैव कुटुंबकम को मानते हैं, जो नारी तू नारायणी को मानते हैं, जो संविधान के इक्वेलिटी जस्टिस लिबर्टी फ्रेटर्निटी को मानते हैं, सिखिज्म हुआ, बुद्धिज्म हुआ, जैनिज्म हुआ, ये इंडियन रिलीजन है। लेकिन जो विदेशी रिलीजन है जो संविधान को नहीं मानते, उनका यह मानना है कि प्रत्येक इंसान एक समान होता ही नहीं है। सिख मानते हैं प्रत्येक इंसान एक समान होता है, जैन मानते हैं प्रत्येक इंसान एक समान होता है, बौद्ध भी मानते हैं प्रत्येक इंसान एक समान होता है, ये जो सनातन धर्म से निकले हुए पंथ हैं। आर्य समाजी भी कहते हैं प्रत्येक इंसान एक समान है, महिला पुरुष भी एक समान है। लेकिन जो विदेशी रिलीजन मानता ही नहीं कि प्रत्येक इंसान एक समान होता है, जो विदेशी रिलीजन मानता ही नहीं कि महिला और पुरुष एक समान होते हैं, नारी तू नारायणी चलो अलग का, वो तो और बड़ा कॉन्सेप्ट हो गया, बराबर भी नहीं मानता, उसमें भारत के किसी व्यक्ति को उसमें कन्वर्ट करना, ये देशद्रोह हुआ कि नहीं हुआ? आप इसको गंभीरता के साथ सोचिए भाई। ऐसा व्यक्ति, ऐसा पंथ जो संविधान के इक्वेलिटी को नहीं मानता, जस्टिस को नहीं मानता, लिबर्टी को नहीं मानता, फ्रेटर्निटी को नहीं मानता, यूनिटी को नहीं मानता, नेशनल इंटीग्रेशन को नहीं मानता, आर्टिकल 14 को नहीं मानता, इक्वेलिटी बिफोर लॉ, उस रिलीजन में किसी एक भारतीय को जो ये सब मानता है उसको कन्वर्ट कर देना, ये देशद्रोह हुआ कि नहीं? तो गहलोत साहब को देशद्रोह की धारा भी लगाना चाहिए। मैं तो जहां जहां जा रहा हूं सबसे ये कह रहा हूं, अपने अपने लोगों से मिलकर बात करिए। तो धर्मांतरण के मामले में तीन धाराएं फिट हो गई, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, यूएपीए और देशद्रोह। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट, धर्मांतरण ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है, एक व्यक्ति नहीं करता, कोई उसका आका होता है, कहीं से उसको वैचारिक मदद मिलती है, कहीं से उसको वित्तीय मदद मिलती है, कहीं से उसको स्थान मिलता है, कहीं से उसको कुछ गाड़ी की मदद मिलती है। उदाहरण के लिए जो कॉलेज के आसपास लड़के ढूंढते हैं, घूमते हैं, कोई उनको बाइक दिलाता है, कोई उनको बढ़िया जींस और टी शर्ट दिलाता है, कोई उनको विचार देता है, तो मदद हुई कि नहीं? तो यह धर्मांतरण ऑर्गेनाइज क्राइम हुआ कि नहीं? तो ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए हमारे पास एक कानून है, गैंगस्टर एक्ट। वो इसीलिए बना हुआ है कि जो ऑर्गेनाइज क्राइम हो उनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगाइए, 100% प्रॉपर्टी जब्त कर लीजिए। तो आप कायदे से देखिए, धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है, देशद्रोह है, ऐसे में यूएपीए भी लगना चाहिए, एनएसए भी लगना चाहिए, देशद्रोह की धारा लगनी चाहिए, गैंगस्टर एक्ट भी लगना चाहिए, और प्रॉपर्टी 100% सीज कर लेना चाहिए। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, सरकार ये लगाना शुरू कर दे अगर धर्मांतरण न रुक जाए, तो मैं अपना सार्वजनिक जीवन छोड़ दूंगा, 100% रुक जाएगा। कानून बहुत बड़ी चीज होती है, मैंने पहले ही कहा था, फ्रांस के पास सब कुछ है, वर्ल्ड क्लास हाईवे, वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट, शॉपिंग मॉल, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, राफेल, यूएन की परमानेंट मेंबरशिप, वीटो पावर, सब कुछ है। 15 दिन से जल रहा है, ना चीन बचाने आया, ना अमेरिका बचाने आया, ना कोई और देश बचाने नहीं आया। अगर फ्रांस ने कठोर कानून बनाया होता सठे साठम समाचार सिद्धांत के अनुसार, आज जल नहीं रहा होता। घुसपैठ और धर्मांतरण ये किसी भी राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा खतरा होता है। मात्र 10 लाख घुसपैठिए आए, उन्होंने पूरे फ्रांस को हाईजैक कर लिया, और ये फ्रांस में अभी नहीं हो रहा है। 3 महीने पहले जब वर्ल्ड कप फुटबॉल हुआ था
उसमें फ्रांस ने मोरक्को को हराया, लेकिन वो खबर तीन दिन चली इसलिए दब गई। आपको ये जान के आश्चर्य हुआ कि जो फ्रांस में लोग जला रहे हैं ये सब विदेशी हैं। जब इराक और ईरान का युद्ध हुआ था तब फ्रांस ने उनको शरण दिया था, 20-25 साल पहले। उनके पास कुछ नहीं था तो उनको शरण दिया था। और तीन महीने पहले जब वर्ल्ड कप का फुटबॉल हो रहा था, वर्ल्ड कप फुटबॉल में फ्रांस ने मोरक्को को हरा दिया, तो उन्होंने पूरे फ्रांस में आगजनी किया कि मोरक्को तो हमारा भाई है, तुमने फ्रांस ने मोरक्को को क्यों हराया। सोचो कितने बड़े नमक हराम, फ्रांस में खाते, फ्रांस में रहते, फ्रांस में सोते, और फ्रांस ने मोरक्को को हरा दिया, पूरे फ्रांस में आगजनी कर दिया। उस समय तक बहाना मिला था वर्ल्ड कप का, फिर वो बहाना ढूंढ ही रहे थे, कुछ और मिले, कुछ और मिले, कुछ और मिले, तब तक नया बहाना मिल गया। एक लड़का जा रहा था, पुलिस ने रोका चेक करने के लिए, वो गाड़ी रोका नहीं, पुलिस ने उसको ट्रेस किया, वो उसने गाड़ी स्पीड बढ़ा दिया, पुलिस को लगा कोई आतंकवादी होगा, उन्होंने गाड़ी टायर में मारी, गाड़ी गोली मारी टायर में, गोली उसको लग गई, वो खत्म हो गया। और उसके बाद देख लीजिए 15 दिन से क्या हो रहा, जबकि जिन पुलिस वालों ने गोली चलाई उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हो गया, उनको पकड़ लिया गया, उनको जेल में डाल दिया, इसके बाद भी पूरा फ्रांस जला रहे। इसका मतलब फ्रांस में जलाना यह संयोग नहीं, यह प्रयोग था, यह प्रयोग है। तो भारत में भी अब समय आ गया है कि धर्मांतरण करने वालों पे और घुसपैठ करने वालों पे एनएसए लगाया जाए, यूएपीए लगाया जाए, गैंगस्टर एक्ट लगाया जाए, इनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त किया जाए। तो वहां तो फ्रांस में तो मात्र 10 लाख थे, भारत में तो 5 करोड़ है। और ये 5 करोड़ मैं डेटा के हिसाब से बता रहा हूं, मेरे 2017 में जब मैंने पीआईएल फाइल किया था इन घुसपैठियों को निकालने के लिए, तब मैंने राज्यवार डेटा दिया था, उस समय 5 करोड़ हो चुके थे बांग्लादेशी और रोहिंग्या। और इनकी ये घुसपैठ होती कैसे, इसको आप समझ लीजिए। घुसपैठिए बॉर्डर पे घुस दे के आते हैं, 2000 रुपए देते हैं, इंटर कर जाते हैं, अंदर आते हैं, 2000 रुपए देते हैं कॉमन सर्विस सेंटर वाले को, उससे आधार बनवा लेते हैं। जब आधार बन जाता है 2000 रुपए देते हैं, राशन कार्ड बन जाता है। जब 2 डॉक्यूमेंट हुआ, नगर निगम में गए, बाबू को 2000 रुपए दिया, बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लिया। जब 3 डॉक्यूमेंट हुआ, आरटीओ ऑफिस में गए, दलाल को पकड़ा, 3000 रुपए दिया, ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया। जब 4 डॉक्यूमेंट हुआ, फिर किसी सांसद विधायक से जिनको वोट की जरूरत है, ऐसे किसी वोट जीवी नेता से मिले जिसको चुनाव लड़ना है, पार्षद या प्रधान का या विधायक का, उसको बताया भाई हम 50 लोग हैं, बोले ठीक, हमें तुम वोट देना, हम तुम्हारा बीएलओ से कह के वोटर आईडी में नाम जुटवा दे रहे। कितनी बड़ी मक्कारी हो रही है सत्ता के खातिर, कितना बड़ा देशद्रोह हो रहा है। और इसलिए मैं कहता हूं घुसपैठ और धर्मांतरण के साथ साथ भ्रष्टाचार भी बहुत बड़ा एक हमारे लिए खतरा है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, सनातन धर्म के लिए खतरा है, सनातन संस्कृति के लिए खतरा है। इस पे भी हमें सोचना पड़ेगा क्या करना है। अभी आज का विषय चूंकि यूसीसी है इसलिए मैं और आगे नहीं बढ़ता हूं, लेकिन मेरा यह मानना है अब टाइम आ गया है वन नेशन वन पिनल कोड के, सिविल कोड के साथ साथ एक वन नेशन वन पिनल कोड भी बनाना पड़ेगा, उसी में एक चैप्टर धर्मांतरण, क्योंकि राज्य सरकार है तो नहीं करने वाली, लगता भी ये काम भी प्रधानमंत्री जी को ही करना पड़ेगा, और वो कर भी रहे। 1860 की आईपीसी का रिव्यू हो रहा है, उसमें हमने यही कहा है कि आप इसमें एक चैप्टर धर्मांतरण का जोड़ दीजिए और एक चैप्टर घुसपैठ का जोड़ दीजिए, नहीं तो राज्य सरकारों पे रहेगा तो वोट जीवी नेता और नोट जीवी नेता ये कभी न धर्मांतरण का विरोध करेंगे न घुसपैठियों का विरोध करेंगे, वोट के चक्कर में घुसपैठियों का समर्थन करते रहेंगे। इसलिए वन नेशन वन सिविल कोड के साथ साथ वन नेशन वन पिनल कोड बहुत जरूरी है। आप सब आए, बहुत बड़ी मात्रा में हमें सुना, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं, बुलाने के लिए प्रकाश शर्मा जी का धन्यवाद देता हूं, कैलाश जी का धन्यवाद देता हूं, इतना अच्छा स्थान उपलब्ध कराने के लिए पराक्रम जी का धन्यवाद देता हूं।
भारत माता की। भारत माता की जय।